तो आज 9 अगस्त है और 9 अगस्त को दिल्ली में आकाश आनंद जी का आगमन हो रहा है और कुछ ही देर में आकाश आनंद जी जो हैं वो यहाँ पर ब्लैशिंग बबल्स आप देख रहे हैं, ब्लैशिंग बबल्स जो फार्म हाउस है उसमें नंदगिरी में आने वाले हैं और यहाँ पर जनसभा है, एक छोटी सी जनसभा है उसको युवाओं को संबोधित करेंगे और मैं आपको दिखाना
इससे पहले हम एक और गाना आपके बीच हमारे कविराज आए हैं, साथी गाना गाना चाहते हैं, इधर पीछे आए और इधर अपना गाना प्रस्तुत करें। जल्दी से आए भैया, तेजी से उधर कोई वक्ता नहीं हूँ, तो मेरा आप सबसे एक सवाल है कि सबसे अच्छा शासन किस पार्टी का है। तो जब हम सब लोग जानते हैं कि सबसे अच्छा शासन बीएसपी का है, तो मैं अपने भारत की तरक्की के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी बहनों की इज्जत के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए बीएसपी को सत्ता में लाना होगा। दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे हैं आकाश आनंद जी। आकाश आनंद जी दिल्ली में पहली बार अपनी राजनीतिक जो सभा है उसको आयोजित कर रहे हैं, और दिल्ली में नंद नगरी में गगन सिनेमा के पास फ्लैशिंग बबल्स फार्म हाउस है, उसी में ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। युवाओं की भरमार भीड़ है यहाँ पर, और युवा सबसे ज्यादा युवा जो है उनको सुनने के लिए आने वाले हैं, आ चुके हैं। और आकाश आनंद जी आ चुके हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि उनकी गाड़ी जो है आकाश आनंद जी की आ चुकी है, और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत यहाँ पर हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि आकाश आनंद जी की गाड़ी जो है वो सीपी सिंह जी के साथ आ चुकी है। बाबा साहब और माने काशी राम को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। माने इंजीनियर राम जी गौतम जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, और माने काशी राम जी पर पुष्पांजलि अर्पित करें। इंजीनियर सीपी सिंह जी, प्रभारी दिल्ली हरियाणा प्रदेश, बाबा साहब पर
और कांतिराम साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माने लक्ष्मण सिंह जी, माने बाबा साहब और कांतिराम जी साहब की चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें। अब सतीश इंजीनियर सतीश चौधरी जी भी अपना स्वागत करेंगे, पुष्प अर्पित कर देंगे बाबा साहब और मानव कांशीराम साहब जी को। इंजीनियर रामजी गौतम जी मान्य आकाश आनंद जी का स्वागत करें। दूसरे हमारे मान्य सीपी सिंह जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मान्य लक्ष्मण सिंह जी मान्य आकाश आनंद जी का और मानवर नेशनल कोऑर्डिनेटर दिल्ली प्रदेश की तरफ से रामजी गौतम जी का वो हार्दिक स्वागत करें। गौतम से नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी स्वागत करेंगे माननीय आकाश आनंद जी का, माननीय सांसद जी का भी धन्यवाद। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। माने रामजी गौतम जी का स्वागत करें, जो नेशनल को जल्दी जल्दी माने सीपी सिंह जी का स्वागत करें। भाई साहब हाथ डालो। माने माने प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। माने टी आर गौतम जी, इसके बाद जॉन कोऑर्डिनेटर ओके धन्यवाद। सतीश चौधरी जी का भी स्वागत करेंगे सुनील जी। अनुराग गौतम जी जॉन कोऑर्डिनेटर जिला गोकलपुर स्वागत करें। मानव महेंद्र सिंह एसडीओ जी स्वागत करें। माना अध्यक्ष जी का धन्यवाद। माना आकाश जी का जन्मदिन स्वागत करें। माना राजेंद्र सहगल जी स्वागत करें। माना बेग सिंह जी स्वागत करें। जॉन कोऑर्डिनेटर उमा शंकर एडवोकेट साहब तालियां बजाते रही। राजकुमार जी जिला गोंडा से माने राजकुमार जी साहब माना गांधी का स्वागत कर रहे हैं। माने रामजी गौतम जी का स्वागत कर रहे हैं, स्वागत करें। माने सीपी सिंह जी का स्वागत करें, मौका देते रहे। माने प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। जब नाम माने सीपी सिंह जी का ये कलम है, ये वकील है तो कलम को मजबूत रखना चाहते हैं। माने प्रदेश अध्यक्ष जी का कलम को देकर स्वागत करें। अच्छा मेरा भी है, धन्यवाद। मेरा भी स्वागत कर रहे हैं। मुकेश बालाजी, मुकेश बालाजी जोन के कोऑर्डिनेटर माना रामजी गौतम जी ले आओ यही ले। बाहर निकाल लो भाई, हो गया उसमें से निकाल दो ना पीछे। सर इधर की तरफ देखे करें, सर इधर इधर बात करेंगे। माना अतिथि का माना अतिथि का स्वागत करेंगे। ऐसी कंधे पे डाल दो खोलो मत, मेरा भी सर भाई व्यवस्था जिसका हो जाए चलेगा। जिला लक्ष्मी नगर माना सलीम अहमद जी माने क्या कर सलीम अहमद जी जय प्रकाश जी जॉन कोऑर्डिनेटर जय प्रकाश जी घुमाओ इधर घुमाओ जॉन कोऑर्डिनेटर गौतम जी सिद्धार्थ गौतम जी नई दिल्ली से जॉन के कोऑर्डिनेटर भाई ज्ञानचंद गौतम जी जॉन के कोऑर्डिनेटर
धन्यवाद। सिद्धार्थ गौतम जी, माना राम जी गौतम जी का और प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। माना सीपीसी जी का स्वागत करें। सिद्धार्थ गौतम जी, माना अध्यक्ष जी का स्वागत करें। नितिन नगर जोन कोऑर्डिनेटर भाई सिद्धांत जी, ठीक है अब ज्ञानचंद, ठीक है मेरा हो गया, धन्यवाद। अब माने ज्ञानचंद गौतम जी जिला हमारे जोन कोऑर्डिनेटर राज्य का स्वागत करें। माने माने राम जी गौतम जी का स्वागत करें, ठीक है। और माने जीपी सिंह जी का भाई भाई हमारे सचिव सचिव आई थी जो हमारे गुलाब का फूल देके माना गांधी का स्वागत कर रहे हैं भाई। मेरा नाम गौतम थी, गौतम थी माना तथागत गौतम बुद्ध की स्टैचू देकर स्वागत कर रहे हैं। ये हमारे बहुजन मीडिया के साथी हैं और पेन भी लेकर आए हैं माना गांधी के लिए। रात दिन मेहनत करते हैं मूवमेंट के लिए। माने राज सांसद रामजी गौतम सिंह को भी, माने आदरणीय सिंह जी को भी, माने लक्ष्मण सिंह को भी धन्यवाद। लक्ष्मण जी मेरे लिए भी साथ मुझे मुझे भी मिल रहा है इसलिए। गुलशाद भाई आ जाए पुरानी से वो गुलाब का फूल देकर करेंगे आगाज हरण सिंह का। सांसद राजा सांसद रामजी गौतम साहब का स्वागत भाई प्रवीण जी सोल उड़ाकर कर रहे हैं। आप लोग जोर तल भूखा भी साथ में देते रहे। और माना सीपी सिंह जी का स्वागत करेंगे भाई प्रवीण जी सोल उड़ाकर। और भाई दुर्गा देखकर माने अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। भाई लक्ष्मण जी का स्वागत करेंगे भाई प्रवीण जी। एक घंटे का देंगे भाई सियाराम जी स्वागत करें। भाई सियाराम जी कॉलेज से स्वागत जी। भाई दीप सिंह का साथी जिला पद स्वागत करें। भाई आगा जी का माने श्याम जी स्वागत कर रहे हैं। हम लोग विश्राम नगर आए जी बाबा साहब की स्टैचू दे भाई भीमजी कांसा जी स्वागत कर रहे हैं। सांसद जी को बाबा साहब की स्टैचू देकर भाई भाई रामेश्वर जी आ जाए। धन्यवाद सम्मान से है गांधी वालों से बचकर रहना, गांधी एंड कंपनी से बचकर रहना। बाबा साहब बहुत दुखी थे और आज का दुखी है। और संघ हर्षों का परिणाम है ये बलिदान भूल ना जाना तुम। दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी वो भी साथियों आपकी पहचान के मोहताज नहीं है। आपके बीच में दो दो बार उन्होंने यहां चुनाव लड़ने का काम किया और लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदों पर वो रहे। इंजीनियर सतीश चौधरी हमारे बीच में उनका भी साथ तालियों स्वागत करते साथियों। आज बचपन राजमान बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर युवा दिलों की धड़कन माननीय आकाश आनंद जी, मंचपाल राजपाल बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर नीतिश राम जी गौतम जी, माननीय सीपी सिंह जी प्रभारी हरियाणा दिल्ली प्रदेश सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी माननीय दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय लक्ष्मण जी और यहाँ पर मौजूद सभी जवान जिला के कोऑर्डिनेटर पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता साथियों
और सबसे पहले वो साथी जो किसी पद पर नहीं है, आप लोगों ने यहाँ पर पहुंचे हैं, आप लोगों का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपको क्रांतिकारी से अभिनंदन करता हूँ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय सीपी सिंह साहब हमारे बीच में, उनका भी आप तालियों स्वागत कर देने के साथ में। आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य वक्ता आदर सम्मान के योग्य इस 21वीं सदी के उभरते हुए सितारे आदरणीय आकाश आनंद जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर, और उधर हमारे दूसरे साथी नेशनल कोऑर्डिनेटर, देश के कोने कोने में बहुजन समाज पार्टी की बात को आगे बढ़ाने वाले आदरणीय रामजी गौतम जी, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय नौजवान युवाओं के दिलों की धड़कन आदरणीय लक्ष्मण जी, प्रदेश के हमारे कोऑर्डिनेटर, आज इस मीटिंग का सफल संचालन करे आदरणीय इंजीनियर सतीश चौधरी जी, यहाँ पर समस्त प्रदेश कमेटी, जिला जोन कमेटी, विधानसभा कमेटी, बामसे बीएसपी बीबीएफ मात्र शक्ति सभी को नमन करते हुए, साथियों आपका जो आज ये उत्साह देखने के लिए मिला है, मैं पूरी दिल्ली की तरफ से आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुजन समाज के सोशल मीडिया के जन को मैं आप सभी लोगों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, मुझसे पहले दो लोगों ने गाने गाए, एक हमारी बहन उन्होंने गाना गाया, एक मेरे अनजान साथी ने गाना गाया, और दोनों लोगों ने कह दिया ये मिशन पीछे नहीं आगे बढ़ेगा, कोई कितनी ताकत लगा ले, जो बहुरूपी स्थान जब पैदा हो गए उनको समाज माफ नहीं करेगा। और बाबा साहब ने कहा था अपने वोटों को मेरे बच्चों बांटना नहीं, अगर अपने वोटों को बांट दोगे तो इस देश में गुलामी बन जाओ, गुलाम बन जाओगे। मेरे साथियों, ये बहुजनों का कारवा है, बहुजन समाज पार्टी पार्टी बाद में है, ये मिशन और मुवन पहले है। साथियों, 21वीं सदी के उभरते सितारे, युवाओं की धड़कन, बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय आकाश आनंद जी को आमंत्रित करता हूं। आप लोग खड़े होकर के उनका तालियों स्वागत करेंगे, सभी साथी खड़े होकर के उनका तालियों स्वागत करेंगे। माननीय आकाश आनंद जी, जय भीम। अरे वाह, अपने को आदत नहीं है ऐसा खड़े होकर स्पीच देने की। जो हम पिछले 10 साल से नहीं कर पाए, अब अगले पूरे 4 साल में करके दिखाएंगे। आप सब युवा लोगों को अब मेरे साथ जमीन पे उतरना पड़ेगा और यहाँ पे बताना पड़ेगा कि दिल्ली में हम जैसे लोगों का क्या महत्व है। क्या आप लोग करेंगे मेरा साथ? भैया हम तो संघर्ष करने को तैयार हैं। अब आप सबको फेसबुक ट्विटर छोड़ के बाहर आना पड़ेगा। इसी बात को मैं कहने आया था कि अब हम सब मिलके सड़क पे उतरेंगे। धन्यवाद। आनंद जी का साथियों, बड़े धैर्य के साथ में उनको आपने सुना। साथियों, आदरणीय बहन जी ने जब जब निर्देश होगा आपके बीच में, आदरणीय बहन जी भाई आकाश आनंद जी को आपके बीच में भाई साहब भेजती रहेंगी। हेलो जय भीम भैया, 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 जय भीम भैया,
कल मिलता हूँ। भैया जावीन चलो 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 निकल, क्लियर है बिल्कुल। आपको पता होगी तो बताइए।